मैं ट्रैकिंग के लिए निकली हूँ। 2 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी हूँ। यहाँ पे बिल्कुल डीप फॉरेस्ट के बीच में हूँ। बाय चांस आज यहाँ पर नेटवर्क मिल गया है। दूर दूर तक क्राउड नहीं है, यहाँ पे पब्लिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये जंगल के फूल हैं, कुछ ऑरेंज कलर के, बहुत ही सुंदर, आपको दिखा देती हूँ। हा हा हा, और एक फूल मेरे हाथ में भी है। डेली का मेरा हो जाता है 10 से 15 किलोमीटर, में डेली चल लेती हूँ, यहाँ पे ट्रैकिंग कर लेती हूँ। अभी योगी वत्स जुड़े हैं, नमन, पूर्णिमा त्रिपाठी माँ जुड़ी हैं, माँ कैसे हो, जंगल में जानवरों का तो घर तरह होता ही है, बाकी तो सब अज्ञात में चलना ही पड़ता है। फिर भी ये बारिश आ रही है 2 दिन से यहाँ पे। आशीष व्यास जुड़े हैं हमारे साथ, ओम। ज्यादा यहाँ पे वो नहीं है, खूंखार जानवर नहीं है, एक आध भालू है, कुछ सियार हैं और लंगूर बंदर हैं। लंगूर बंदर तो कुछ नहीं कहते, उनके पास से निकलते रहो। और कोई भी जानवर, सांप है, सांप तो दिख ही जाते हैं नॉर्मली। कोई भी जानवर आपके ऊपर तब तक अटैक नहीं करता है जब तक हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। ये जो वृक्ष हैं, ये सारे साल के वृक्ष हैं। साल एक बहुत ही पावरफुल लकड़ी होती है, हजारों हजार साल तक ये खराब नहीं होती है, बहुत ही ताकत की चीज है। और ये औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो ये लकड़ी का हिस्सा है, इसको तोड़ के दवाई बनाई जाती है इसकी। जंगल में कुछ काम करने वाले लोग हैं जो वो शायद यहाँ से गुजर रहे हैं, बच्चे। अब जंगलों की शांति भी धीरे धीरे भंग होती जा रही है। आज से 40 साल पहले कल एक फॉरेनर से बात हुई है, यहाँ पे जो लॉकडाउन में अटक गए हैं क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चल रही है, तो उन्होंने बताया वो 40 साल से अमरकंटक आ रहे हैं। 40 साल पहले जो अमरकंटक था उसमें और आज के अमरकंटक में काफी डिफरेंस है, मतलब काफी शहरी आबादी हो गई है यहाँ पे। आदिवासियों का जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज हो गया, पहले जितना ऑर्गेनिक नहीं रहा। और ये जो रास्ता है ये परिक्रमा वासियों के लिए है, जो देवी माँ नर्मदा की जो परिक्रमा करते हैं लोग। ये देखिए जंगल दूर, कितनी दूर तक आप देख सकते हैं, कोई रोड नहीं दिखाई दे रहा, कोई घर नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ जंगल। और अभी तो क्योंकि सावन शुरू हो चुका है तो ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे घास पौधे सब उग गए हैं यहाँ पे। आज थोड़ी सी धूप निकली है यहाँ पे, वैसे जनरली धूप निकलती नहीं है। और इस रास्ते पे मैं आज पहली बार ही जा रही हूँ तो मुझे भी पता नहीं है ये बाहर कहाँ निकलेगा रास्ता। अंदाजा है कि कपिलधारा रोड पे निकलेगा। नेटवर्क दिख रहे थे इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा लाइव दिखाते हैं सबको। हिरन भी है यहाँ पे,
हिरन का पिक्चर आया सामने। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये जिस जिस भी जानवर का इलाका होता है तो उसकी ऐसे पिक्चर आती है। यहाँ पे इसका मतलब हिरण ज्यादा है। नर्मदे हर ये रास्ता कपिल धारा जाएगा ना, वो आगे है जो भी। हाँ कपिल धारा ही जा रहा है। यहाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से, मेरा ये पूरा जहाँ पे मुझे जाना है वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरा 10 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोगों को भी थोड़ी दूर तक ही लाइव रखूंगी, उसके बाद फिर मैं पैदल चुपचाप चलती रहूंगी पेड़ों से बात करते हुए। जंगल से बात करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब वो अमरकंटक के मेरे फेवरेट जंगल हो, क्योंकि सूखे पत्तों की ब्यूटी।